बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से बारिश ना होने से फसल पर संकट मंडरा रहा है। कोहरे और पाले के कारण आलू मटर की फसल को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। बता दें कि उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूखी ठंड होने के कारण जानवरों का चारा भी नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार और किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गेहूँ है, ऊंचे के मटर है, आलू है, लाही है, इनको नुकसान है बाढ़ से ना होने से। होगा कम से कम 4-5 महीने से बाढ़ हुई ना है। तो गेहूँ में गेहूँ के सूख रही है, आलू के पत्ते जल रहे हैं बर्फ़ की वजह से। बारिश ना होने की वजह से गेहूँ की फसल जो है ख़राब होती जा रही है, ऊपर उठती जा रही है, जिसमें कि सही करके जो मेड़ा नहीं मार रहा। 4-5 महीने से बारिश नहीं हुई है, जो हमारे गेहूं की फसल को नुकसान है, आलू को फसल की नुकसान है, और चारे को भी नुकसान है हमारे, और लाई हुई को भी नुकसान है, ये हमारी ये मटर को भी नुकसान है। ये इससे पाले से सूखे पाले से जलती है। किसानों की ओर को सरकार ने हमारी किसानों की ओर को ध्यान देना चाहिए।